मालदीव में सत्ता परिवर्तन भारत के लिए बेहतर संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और मालदीव की नई सरकार के आश्वासन भी इस बात को मजबूती दे रहे हैं। इसी बीच मालदीव से भारत के लिए एक और खुशखबरी आ रही है। दरअसल मालदीव की रक्षा मंत्री ने भारत के साथ मालदीव के रिश्तों को सबसे पहले रखने की बात कही है। मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद ने बताया कि मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को लेकर मालदीव बेहद उत्साहित था। साथ ही रक्षा मंत्री मारिया अहमद ने कहा कि मालदीव हमेशा इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को लेकर चलेगा और उन्होंने ये भी बताया कि मालदीव से भारत के रिश्ते पिछली एमडीपी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार में भी अच्छे थे और आगे भी भारत और मालदीव के रिश्ते अच्छे रहेंगे। मालदीव की रक्षा मंत्री का ये बयान चालबाज चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। गौरतलब है कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल में चीन लगातार मालदीव को अपने चंगुल में फंसाने की साजिश रच रहा था, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल्ला यामीन की हार से चीन की चालबाजी धरी की धरी रह गई। आपको बता दें कि पीएम मोदी मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने मालदीव गए थे। राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाए जाने के तत्काल बाद मोदी और सोलिह ने बातचीत भी की थी और इसके बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और दोस्ती को प्रगाढ़ करने की इच्छा भी व्यक्त की है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को देश की जनता से किए गए वादों को पूरा करने में सभी प्रकार का सहयोग देने का भरोसा दिलाया। और सामरिक रूप से अहम हिंद महासागर द्वीप देश की जरूरतों के हिसाब से अधिकारियों के साथ जल्द एक बैठक करने का सुझाव भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।